नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश्वर कैवर्त आपका स्वागत करता हूं हमारे अपने YouTube चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं वल्लभाचार्य जी के दर्शन पुष्टि मार्ग के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनका जो दर्शन है अन्य भारतीय दार्शनिकों की से भिन्न है। कैसे भिन्न है चलिए जानते हैं। तो शुरुआत करने से पहले वल्लभाचार्य जी के संक्षिप्त जीवन परिचय जान लेते हैं। हुआ ये कि दक्षिण भारत की ओर जाते समय रायपुर के चंपरेड़े नामक स्थान में लक्ष्मण भट्ट और इलम्मा माता की संतान के रूप में 1479 को वल्लभाचार्य जी का जन्म हुआ। बालक को जो है चेष्टा विहीन पाकर उन्होंने जंगल में ही छोड़कर आगे बढ़ गए। तब अग्निदेव ने लक्ष्मण भट्ट और इलम्मा को स्वप्न में दर्शन दिए और अपने अवतार लेने की बात बताई। तब वे वापस आकर उस बालक को अपने साथ ले गए। बालक वल्लभ का लालन पालन काशी में ही हुआ। वल्लभाचार्य भारत के 84 जगहों पर जा जाकर भागवत का पाठ किए, जो इनके 84 बैठक के नाम से प्रसिद्ध हो गए। वल्लभाचार्य जी का प्रमुख सिद्धांत है शुद्धा द्वैतवाद। शुद्धा द्वैतवाद में वे कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत सत्यम अंशो जियो ही नापरः, अर्थात ब्रह्म सत्य है और जगत भी सत्य है और जीव ब्रह्म का अंश है। और वो ब्रह्म क्या है? श्री कृष्ण को परम ब्रह्म परमेश्वर माना। ये जो संसार है श्री कृष्ण के ही अंश है, श्री कृष्ण ही परम ब्रह्म है। यह है शुद्धा द्वैतवाद। तो चलिए हम पुष्टि मार्ग के स्टार्ट करते हैं जो हमारा विषय है पुष्टि मार्ग। तो पुष्टि मार्ग में पुष्टि का शाब्दिक अर्थ होता है पोषण। श्रीमद् भागवत में ईश्वर के अनुग्रह को पोषण कहा गया है, पोषणम तदनुग्रह। ठीक, ईश्वर के अनुग्रह को ही क्या कहा गया है? पोषण कहा गया है। और ईश्वर प्राप्ति का मूल मार्ग पुष्टि मार्ग के अनुसार ईश्वर जो प्राप्ति है उसका मूल मार्ग न तो ज्ञान मार्ग है न तो योग मार्ग है बल्कि भक्ति है। भक्ति ही है जिससे हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं और यह भक्ति ईश्वर के अनुग्रह से प्राप्त होती है। ईश्वर के बिना अनुग्रह के हमें भक्ति भी प्राप्त नहीं हो सकती। जब तक ईश्वर की कृपा आप पर नहीं होगी, जब तक ईश्वर की प्रेम या अनुराग आप पर नहीं होगी, आपको भक्ति के द्वारा भी ईश्वर नहीं मिल सकता। तो ईश्वर की भक्ति के लिए ईश्वर के अनुग्रह की प्राप्ति जरूरी है। ठीक, तो ईश्वर जिन जीवों पर अनुग्रह करता है उन्हें ही ईश्वर की भक्ति का सौभाग्य मिलता है। अतः ईश्वर एवं जीवों में पोषक पोष्य का संबंध है। किसका संबंध है? पोषक और पोष्य का संबंध है, क्योंकि ईश्वर जिन पर अनुग्रह करेगा उन्हीं को ही जो है भक्ति की प्राप्ति होगी। अर्थात ईश्वर और जीव में, मान लीजिए जीव है, किसका संबंध है? पोषक और पोष्य का संबंध है। इसी संबंध को पुष्टि कहा गया है, जो पूर्णतः ईश्वर की अनुग्रह पर निर्भर करता है, ईश्वर की अनुग्रह पर आधारित है। यानी ईश्वर जिस जीव पर अनुग्रह करेगा उसी को ईश्वर की भक्ति मिलेगी, उसी को ईश्वर की भक्ति का सौभाग्य मिलेगा। यह बोलता है पुष्टि मार्ग। कहते हैं पुष्टि मार्ग में कि वल्लभाचार्य जी कि ईश्वर की भक्ति जो है कर्म व साधना करना ये सब जो है निरर्थक है। कर्म के द्वारा आप ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते या साधना के द्वारा आप ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। ईश्वर जिसे प्रेम करेगा उसे खुद ही भक्ति की भक्ति का अनुग्रह देता है। ईश्वर को आप कर्म से या साधन से, जैसे कि अन्य भारतीय दर्शन में कहा गया है कि कर्म से ईश्वर की प्राप्ति होगी या फिर साधना के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, लेकिन पुष्टि मार्ग करता है नहीं, जब तक ईश्वर का अनुग्रह आप पर नहीं होगा आपको भक्ति नहीं मिल सकती। ईश्वर जिसे प्रेम करता है उसे खुद ही भक्ति का अनुग्रह देता है। यह है
पुष्टि मार्ग। ठीक है, पुष्टि मार्ग में जीवों के तीन प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन से तीन प्रकार है? तो पहला है प्रवाह जीव। प्रवाह जीव वह जीव होता है जो जन्म मरण के बंधन में बंधे रहते हैं। दूसरा होता है मर्यादा जीव। मर्यादा जीव मतलब जो जीव वेद उपनिषद आदि के अध्ययन से ब्रह्म द्वार प्राप्त करने की कोशिश करता है। और तीसरा होता है पुष्टि जीव, जो भगवत की भक्ति और स्नेह को ही अपना अवलंबन मानता है, मतलब भगवान की भक्ति को ही अपना जीवन का उद्देश्य मानता है, वो होता है पुष्टि जीव। और इन्हीं तीन जीवों के आधार पर तीन प्रकार की भक्ति होता है। पहला कौन सा भक्ति होता है? प्रवाह भक्ति, प्रवाह पुष्टि भक्ति। प्रवाह पुष्टि भक्ति में क्या होता है, जो जन्म मरण के चक्र में बंधा हुआ भक्त है, ईश्वर का स्मरण करता हुआ मोक्ष प्राप्त करना चाहता है। दूसरा होता है मर्यादा पुष्टि भक्ति। इसमें क्या होता है, भक्त शास्त्रों के अध्ययन द्वारा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान की ओर उन्मुख होना चाहता है, मोक्ष होना चाहता है। मतलब मर्यादा पुष्टि में आपको साधना करना पड़ेगा, साधना के द्वारा। ठीक है, शास्त्रों के अध्ययन कर साधना करोगे, साधना करके मोक्ष प्राप्त करोगे। लेकिन तीसरा जो पुष्टि भक्ति है, वह कहता है कि भक्त स्वयं को भगवान में समर्पित कर देता है। जो भगवान के अनुग्रह पर निर्भर रहते हुए गोलोक में ईश्वर की नित्य लीला में प्रवेश के अधिकारी बनते हैं, वह पुष्टि भक्ति के अंतर्गत आते हैं। तो शुद्ध पुष्टि भक्ति क्या है, कि भक्त स्वयं को भगवान में समर्पित कर देता है। और यहां पर भगवान अपने बच्चे की तरह भक्त का पालन पोषण करते हैं, यानी भगवान के शरण में आते ही भक्त के सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। ये है शुद्ध पुष्टि भक्ति। तो भक्ति भी तीन प्रकार के हो गए, जैसे जीव थे उसी के अनुसार भक्ति, प्रवाह पुष्टि भक्ति, मर्यादा पुष्टि भक्ति और शुद्ध पुष्टि भक्ति। ठीक है, तो पुष्टि मार्ग में शुद्ध पुष्टि भक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें भक्त स्वयं को भगवान में क्या कर देता है, समर्पित कर देता है। पुष्टि मार्ग में यह कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण भक्तों के निमित्त व्यापी एक बैकुंठ में नित्य क्रीड़ाएं करते हैं। एक बैकुंठ है, उसमें श्री कृष्ण जो है नित्य क्रीड़ाएं करते रहते हैं। इसी बैकुंठ में एक खंड है गोलोक, एक खंड है गोलोक, इसमें यमुना भी है, वृंदावन है, निकुंज है और गोपियां भी हैं। इसको कहा गया है गोलोक, और ये सभी क्या है, नित्य हैं। ठीक है, तो भगवत सेवा के माध्यम से आप एक जीव है मान लीजिए, ये जो है भगवत सेवा के माध्यम से वहाँ भगवान की नित्य लीला सृष्टि में प्रवेश ही जीव का सर्वोत्तम गति है। इसमें जाना ही आपका सर्वोत्तम लक्ष्य है, या फिर श्री कृष्णानुमुखी होना, यही आपके जीवन की लक्ष्य है। ठीक, तो ये है पुष्टि मार्ग। तो पुष्टि भक्ति के तीन उत्तरोत्तर अवस्थाएं हैं। यदि आप पुष्टि भक्ति को पाना चाहते हो तो तीन अवस्थाएं हैं, कौन कौन सी हैं देख लीजिए। पहला है भगवत प्रेम। भगवत प्रेम में क्या होगा, भगवान के प्रति रुचि। ठीक, भगवान के प्रति आपकी जो रुचि होगी वह भक्त प्रेम का रूप धारण कर लेगी, और जो अन्य विषय हैं संसार के उससे आपका जो राग है या प्रेम है स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, सिर्फ आप भगवान के प्रेम में डूबे रहोगे। दूसरा क्या होगा, दूसरा जो अवस्था है वह है भगवत आसक्ति। जो आपका भगवान के प्रति प्रेम है वह जो है भगवत कथा और सेवा के द्वारा जो है आपकी आसक्ति बदल जाएगी, यानी भगवान के प्रति आसक्ति जो है बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, जो प्रेम है वह आसक्ति में बदल जाता है। और तीसरा है व्यसन। व्यसन में क्या होता है कि भक्त का जो आपका जो अंतर्मन है, भक्त का अंतर्मन है भगवान में तल्लीन हो जाता है, और जो व्यसन की स्थिति में पहुंच जाता है, अर्थात भक्त सदा कृष्ण की सेवा में लगा रहता है। ये तीन जो है उत्तरोत्तर अवस्थाएं हैं। पहला क्या होगा, आपका भगवत से प्रेम होगा, वो प्रेम जो है आसक्ति में बदल जाएगा, और आसक्ति फिर व्यसन में बदल जाएगा। तो तीन इसके चरण हैं, इस तीन चरण के द्वारा जो है आप भगवत की जो भगवान में पूरी तरह आप तल्लीन हो जाओगे।
अब देखिए कि पुष्टि भक्ति के लक्षण क्या हैं, कि भगवान के स्वरूप यानी कृष्ण के स्वरूप की प्राप्ति के अतिरिक्त भक्त जो है अन्य किसी फल की आकांक्षा ना रखे। यानी आपको मोक्ष जो है, इसमें मोक्ष प्राप्ति जो है इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपको कृष्ण प्राप्ति ही मुख्य उद्देश्य रहता है। इसमें मोक्ष जो है गौड़ विषय हो जाता है आपके लिए। श्री कृष्ण के प्रति स्वार्थ रहित और अकारण प्रेम की भावना ही क्या है, पुष्टि मार्ग है। ठीक है, इसकी अभिव्यक्ति श्री कृष्ण की निस्वार्थ सेवा से होती है। श्री कृष्ण ही सदा सर्वदा सेव्य, स्मरणीय और कीर्तनीय रहते हैं। ब्रह्म के साथ जीव जगत का संबंध रहता है। ठीक है, जीव ब्रह्म का सद अंश है। जीव हैं जितने भी क्या है, ब्रह्म के, कृष्ण के क्या है, कृष्ण के ही अंश है। इसलिए जगत भी ब्रह्म का सद अंश है। कृष्ण ही क्या है, परम सत्ता है। और कृष्ण की ये लीला है, जो जगत है क्या है, कृष्ण के ही लीला है। इसलिए जगत भी ब्रह्म का क्या है, यानी कृष्ण के अंश है। ये सारे जीव जो है कृष्ण के अंश है। ठीक है, श्री कृष्ण के अनुग्रह प्राप्ति हेतु क्या करना होगा आपको, कि श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए कोई जात पंथ लिंग उम्र कोई बाधा नहीं होता। कोई भी श्री कृष्ण की भक्ति कर सकता है, ना ही किसी देश सीमा काल या अन्य चीज से बंधा हुआ है। संसारिक जीवन त्यागने की आवश्यकता भी नहीं है आपको। संसारिक जीवन में रहकर आप श्री कृष्ण की प्राप्ति कर सकते हो। श्री कृष्ण के प्रति संपूर्ण समर्पण करना होगा, संपूर्ण श्रद्धा करना होगा। श्री कृष्ण के प्रति निस्वार्थ भाव से सेवा करना होगा। और सेवा किस प्रकार से, तो पुष्टि मार्ग में सेवा जो है, नित्य सेवा तीन प्रकार के बताया गया है। पहला है राग। राग मतलब परंपरागत कीर्तन संगीत का वादन करते हुए श्री कृष्णा इस टाइप से आप जो है राग कीर्तन करोगे। दूसरा भोग। भोग में क्या करोगे, शुद्ध शाकाहारी और सात्विक आहार समर्पित करेंगे श्री कृष्ण जी को। और तीसरा है वस्त्र श्रृंगार। श्री कृष्ण को सुंदर वस्त्रों और आभूषण से सजाएंगे, उनकी नित्य पूजा करेंगे। ये पुष्टि मार्ग सेवा के तीन नित्य सेवा हैं। इस प्रकार ये तीनों जो है नित्य सेवा कहे गए हैं, जिसको सभी भक्तों को करना होगा। ठीक है, तभी आपको श्री कृष्ण की प्राप्ति होगी। पुष्टि मार्ग भक्ति का मूल आधार है भगवत कृपा और उनके प्रति पूर्ण समर्पण। यही है आपका पुष्टि मार्ग। भगवत की कृपा तभी होगी जब आप पूर्ण समर्पण करोगे। तो आई होप आपको समझ में आया गया होगा पुष्टि मार्ग क्या कहता है। पुष्टि मार्ग कहता है कि ईश्वर के अनुग्रह से ही आपको जो है भक्ति मिलेगी। ठीक है, आप अपने आप को श्री कृष्ण में समर्पण कर दीजिए। ठीक, वहां से आपको जो है जो भक्ति है श्री कृष्ण की, वो आपको मिलेगी। तो संक्षेप में कहें तो पुष्टि मार्ग क्या है, तो ईश्वर प्राप्ति के लिए आपको ना तो कर्म करना है, ना तो योग करना है, ना तो ज्ञान करना है। ईश्वर प्राप्ति का मार्ग ना कर्म मार्ग है, ना ज्ञान मार्ग है, ना योग मार्ग है, बल्कि भक्ति मार्ग है। और यह भक्ति ईश्वर के अनुग्रह से प्राप्त होती है। ईश्वर जिन जीवों पर अनुग्रह करता है उन्हें ही ईश्वर की भक्ति का सौभाग्य मिलता है। इस प्रकार ईश्वर और जीवों में क्या है, पोषक पोष्य का संबंध है। इसी को बोलते हैं पुष्टि मार्ग। यही इसका सारांश है पुष्टि मार्ग का। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।